रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं आप सबकी होस्ट श्रुति इस वक्त लेकर आई हूँ आपके लिए रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस महायुद्ध के बीच परिवार, जी हाँ पुतिन का परिवार जिस मुसीबत में है। ये तो आप जानते ही हैं कि पुतिन की दोनों ही बेटियों पर पाबंदी लगाने की फिराक में अमेरिका ने लगातार इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कह दिया है कि व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए बेटियों से मदद ले रहे हैं। तो आखिर वो दो बेटियां कौन हैं जो कि व्लादिमीर पुतिन के दिलों की धड़कने हैं, जो कि इस लाइमलाइट की दुनिया, राजनीति की दुनिया से दूर रहती हैं, और क्या करती है वो, क्या है उनका पेशा जिसके जरिए उनकी तेज तरार दिमाग पर सवाल आज अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगातार रूस पर हमला बरकरार रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हर फैसले के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शुरू से ही है। उन्होंने कहा लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी रूस को जो रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, जिस प्रकार की इंसानियत से ऊपर उठकर रूस के युद्ध के इस जंग में लगातार प्रक्रिया सामने आ रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। आगे जानते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियों के बारे में जिन पर आ गई है बड़ी मुसीबत। देखिए रिपोर्ट। वाकई में जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध का असर जनता पर, आम जनता पर पड़ रहा है, भारत देश तक अगर महंगाई का ये दौर बढ़ा है तो इसके पीछे एक कारण है। इंटरनेशनली जो स्थिति बन गई है दुनिया भर में, वही खैर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच, खास तौर पर रशिया के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी के बारे में, उनकी बेटियों के बारे में। उनकी ज़िंदगी में उनकी बेटियां बहुत ज़्यादा ख़ास है, लेकिन अपने पिता से वो थोड़ी दूर रही हैं। सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन की जो दो बेटियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगा दी है, कहाँ रहती हैं वो, क्या करती हैं वो, तो आपको इस बारे में बताएंगे। अमेरिका जो है निशाना बना रहे हैं रशिया पर, जिस प्रकार से वोटर्स को ज़्यादा अपनी तरफ इकट्ठा करने में कामयाब हुए, अमेरिका ने रशिया के खिलाफ एक्शन के लिए वोट में सबसे पहले अपना कदम बढ़ाया और वोट करने वालों की संख्या 90 से पार गई। और साथ में बताना चाहेंगे इसमें ख़ास तौर पर देखा जाए तो रशिया में इस वक्त की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। यूक्रेन और रूस के 43वें दिन भी जंग जारी होने से दुनिया में त्रासदी मच गई है और रूसी राष्ट्रपति लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमले करवा रहे हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही है, सब देख रहे हैं। अब व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियों की चर्चा जो है इस पर करेंगे अगर बात, तो अमेरिका की ओर से पुतिन को ठेस पहुँचाने के लिए उनके परिवार पर भी अब निशाना साधना शुरू कर दिया गया। बेटियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है और मकसद यह है कि रूसी राष्ट्रपति कमज़ोर पड़े, वो झुक जाए। तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं, उनकी बेटियां इसमें खास तौर से उनकी मदद भी कर रही हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि राष्ट्रपति पुतिन परिवार के सदस्यों के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी को छिपा कर रखे हुए हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं उनकी बेटियां हैं कौन और क्यों अमेरिका उनकी बेटियों को टारगेट कर रहा है। तो चलिए आपको बता दें कि अमेरिका में पुतिन की बेटियां निशाने पर हैं। मारिया और कैटरीना व्लादिमीर पुतिन की बेटियों का नाम बताया जाता है। जी हाँ, कैटरीना और मारिया दोनों बेटियों की अगर बात की जाए तो पहली पत्नी व्लादिमीर पुतिन की ल्यूडमिला है, जिनकी संतान है वो। बड़ी बेटी का नाम मारिया व्लादिमीरोवा है, वो रोत्सवा है, तो वही दूसरी बेटी का नाम कैटरीना व्लादिमीरोवना तिखोनोवा है। ल्यूडमिला व्लादिमीर पुतिन की वो पत्नी है जिनसे तलाक लेने के बाद पुतिन ने शादी को लेकर कोई रिपोर्ट सामने न लाने का फैसला लिया। बेटियों के बारे में अगर बात की जाए तो पुतिन की प्रॉपर्टी को छिपाने में उनकी बेटियों की मदद जारी है, जिसे सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि इसकी सबूत फिलहाल नहीं है। पब्लिक लाइफ में नज़र नहीं आने वाली व्लादिमीर पुतिन की दो बेटियों की तस्वीरें देखिए आपको बहुत कम ही मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय में नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रमुख रिसर्चर है व्लादिमीर पुतिन की बड़ी बेटी, अगर रिपोर्ट्स की माने तो। मारिया ने सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जीव विज्ञान और मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई कंप्लीट की। अमेरिका के प्रतिबंध के विवरण के अनुसार पुतिन के पास की बेटियां कैटरीना एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव है। वहीं बात की जाए उनकी दूसरी बेटी कैटरीना के बारे में और भी, तो आपको बता दें रूसी सरकार और उसके डिफेंस उद्योग का समर्थन करना है। ये कैमरिल में ही काम करती हैं और बेटी कैटरीना एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपना काम बढ़ा रही है। बेटियों की शादी भी हो गई है और काफ़ी प्रॉपर्टी है बताया जाता है। लंबे समय से अपने दोस्त निकोलाई शामलोव के बेटे किरिल शामलोव की पत्नी बन गई व्लादिमीर पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना। और वहीं आपको बताना चाहेंगे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी लाइमलाइट से दूर रहती है। तो आप सब ने जाना रूसी राष्ट्रपति की बेटियों का ये सच जो इस वक्त सवालों के घेरे में। तो क्या अपने पेशे की वजह से ही मारिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन की बेटी जो है चर्चा का विषय बनी हुई है? क्या अपने पेशे की वजह से ही उनकी बेटियों पर अमेरिका पाबंदी लगाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है? यानी कि बेटियों पर जब तक इल्ज़ाम राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से नहीं लगाया जाएगा, जब तक इसी तरह से इल्ज़ाम को सही साबित नहीं किया जाएगा, उन पर पाबंदी लगाने का कोई और कारण नहीं होगा। ऐसे में ये कारण जो है साजिश बताया भी जा सकता है। फिलहाल लेंगे आप सबसे इजाज़त, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।